नहीं पता कि नॉकआउट मैच में इंडिया पाकिस्तान से नहीं जीत सकता। सो मैं अपनी रिपोर्ट को एंड करता हूँ, यही कहूंगा कि हम इंग्लैंड को हरा दें और फिर हम इंडिया को भी हरा देंगे। अरे हर साले कवारे सांड लो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। पूरा दिन बारिश दिखा रहे थे पर एक भी बूंद नहीं गिरी ग्राउंड में। हमारी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया है। वैसे पानी आया नहीं है लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, जो क्योंकि हमने तो वेदर चेक, हम सब पाकिस्तानी कल से बैठे ही सिर्फ वेदर पे हैं, जो यार वेदर देख रहे हैं कब 5 मिनट बाद देखते हैं। सिलसिला खत्म, इनफ ऑफ। क्या क्या ढूंढ रहे हो, ढूंढ क्या रहे हो? बादलों को ढूंढ रहा हूँ, आई आई नहीं आज। होगी क्या बारिश? Yes, big day today. Yes. आज बारिश का दुआ करनी है हमने। Yeah. और एक चीज याद रखना, गिरना नहीं है। बाहर हो गए हैं तो इस टीम को भी हमें बाहर निकाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपना जगह पक्का कर लिया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता बारिश होने की दुआ कर रहे थे कि किस प्रकार बारिश हो जाए और श्रीलंका का मैच टाई हो जाए और हम इंग्लैंड के साथ मैच में अच्छी रन रेट से जीत कर सेमीफाइनल में चले जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा हो गया। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये लेटेस्ट वीडियो। ओ जनाब, वही हो चुका है जिसका मुकम्मल अंदाजा था और न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका को मार के पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और कब तक जो आप दूसरों के शोल्डर पे रख के तीर चलाएंगे और कब तक आप दूसरों से भीख लेके सेमीफाइनल और फाइनल खेलेंगे? हर बार ऐसा नहीं होता और इस बार आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर करवा दिया है और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को जो एक वन साइडेड जो है मैच मार दिया है। क्या कमाल की पहले न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है और उसके बाद क्या कमाल की न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग की है और ये बता दिया है कि भाई तुम नहीं, हम जो है सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करते हैं। सो यस, न्यूजीलैंड हैज डन इट। न्यूजीलैंड ने जितना नेट रन रेट अपना बेहतर करना था, बढ़ाना था, क्या करना था, पॉइंट हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट के साथ। न्यूजीलैंड इज फर्मली ऑन द 4th place राइट नाउ और मेरे ख्याल से देयर नो इफ्स एंड बट्स लेफ्ट। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मुबारक हो भाई साहब, सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मुबारक हो, दूसरा सेमीफाइनल वो खेला जाएगा कोलकाता में, इंडिया न्यूजीलैंड खेला जाएगा वानखेड़े में और 19 नवंबर को फैसला होगा कि इसका फाइनलिस्ट कौन है। मैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फाइनलिस्ट देख रहा हूँ, बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अब बाकी रस्मी कार्रवाई है क्योंकि आप लोग को जिस तरह बता दिया था, मेरे ख्याल से आपको मैंने साउथ अफ्रीका के मैच के हारने के बाद बता दिया था, हालात होंगे पिछले बार वाले कि बांग्लादेश से जीतने के लिए आपको 300 रन का मार्जिन चाहिए। तो अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में वो सिनेरियो अपलोड हो जाएंगे। 350-400 का मार्जिन आपको चाहिए होगा या 10-12 ओवर में 300 रन बनाने होंगे। पक्का बादल नहीं आ रहा है, कोई बादल नहीं आ रहा है। किसी बादल ने कहा कि हम नहीं आएंगे यार, जीतना है तो खुद जीतो, अपनी मेहनत से जीतो, अपनी मर्जी से जीतो, अपने तरीके से जीतो, क्या हम पे डिपेंड कर रहे हो बादलों पे? सो यस, नो बादल, नो रेन, नथिंग एट ऑल एंड न्यूजीलैंड हैज जस्ट क्रूज थ्रू दिस लोन बर्थ जो कि बाकी थी और इसमें न्यूजीलैंड ने जो है वो अपनी जगह बना ली है। क्यों ना बनाता, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बनानी चाहिए थी। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन गए थे, 24वें नंबर पे एंड अप हुए, उनका वर्ल्ड कप अभी एक मैच रस्मी कार्रवाई रह गई है। लेकिन जब फैंस को ये ज्यादा मेरे ख्याल से ख्याल सता है कि शुभमन गिल कैसे नंबर वन हो गया और ये दुआएं वो करें कि शुभमन गिल किसी तरह ये रन ना बना सके और बाबर आखिरी मैच में रन बना ले ताकि, क्योंकि एक साल अगले 6-7 महीने तक ओडीआईज नहीं है तो वो उसका रैंक मेंटेन रहे।
जब हमारे फैंस की कंसिडरेशन ही इंडिविजुअल है तो फिर इंडिविजुअल करते रहे दुआएं। चलो पहले सीढ़ी तो चढ़ो सेमीफाइनल की, बाद में देखते हैं कि कौन हारता है। कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं भाई जान, ये कब हमारा है, ये कब हमारा है इंडिया। चाचा बिल्कुल चाचा, मेरी बात नहीं, ये बात सुन लिया आप। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना आए, अगर आ गया, अगर सेमीफाइनल में आ, पहली बार वहां तक आने का नहीं है आपको, इतनी दूर तक आप नहीं आएंगे, आप इतनी दूर तक नहीं आएंगे मेरी, जब ये गारंटी है। ये आज एक और वन साइडेड मैच हो रहा है, बारिश की वजह से आपको पॉइंट मिल गए। अज्यूम करते हैं अगर पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में आ जाते, एक और वन साइडेड मैच होगा। कैसा हो गया, कैसे हो जाएगा? इंडिया वन साइडेड जीत जाएगा। भैया आपकी टीम कमजोर है, हमारी टीम एकदम स्ट्रांग है, होम ग्राउंड है, पब्लिक का सपोर्ट है, कैसे आप जीत पाएंगे जरा ये बताइए। पहले तो आप कह रहे थे कि बिरयानी खा के हम लोग जीत नहीं पा रहे, दूसरी बात कह रहे थे कि हमें जो है ना गाना नहीं बजाया गया, फिर तो कह रहे थे आज बारिश की वजह से बहुत ज्यादती थी, बहुत ज्यादती थी। नहीं, हमारा मिक्की ऑर्थर जो बात करता है वो बात ठीक करता है। तो अभी पिछले हसन रजा भी कह रहे थे कि है ना बॉल में जो ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो सकता है? पागल है, हो सकता है नहीं है ना। अब क्या करना चाहिए इस टीम के साथ? अब इस टीम को पाकिस्तान जब ये वापस आए ना, हार जूतों के पहनाने चाहिए उधर अपना एयरपोर्ट पे, और घर जाने तक इनको जो है ना लान तान करनी चाहिए। आपको लगता है ये ठीक तरीका है इनके साथ इस तरह का सलूक करना बेहतर है? सलूक होना चाहिए, और जो इनके कोच हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें। 12-12 लाख 15-15 लाख तनख्वाह लेते हैं, इनको वहाँ इनामात मिलते हैं, लोग गिफ्ट देते हैं, लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, टिकट लेके लोग वहाँ मैच देखने जाते हैं इतने शौक और ज़ौक से, और इनका जो रिस्पांस है वो हमें ज़ीरो नज़र आ